दोस्तों, यदि आपके पास भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप अपने उस क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। अपने क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डाउनलोड करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि यदि आप अपने मोबाइल में HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आप HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग से भी अपने क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लॉगिन पिन या फिर फिंगरप्रिंट के जरिए लॉगिन हो जाएंगे। तो HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ सबसे ऊपर में जो मेनू लिखा है इसके बगल में तीन लाइन बना है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर साइड से बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जिनमें से यहाँ दूसरे नंबर दिया है पे, इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे में और भी ऑप्शन खुल जाएंगे, जिनमें से यहाँ तीसरे नंबर दिया है कार्ड्स, इसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ पहले ही नंबर पर हमारा क्रेडिट कार्ड शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे साइड में एक एरो बना है, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है गेट स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी महीने का आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी दिया है नवंबर 2023, यहाँ से हम कर देते हैं अगस्त। ठीक है, अगस्त 2023, यहाँ फॉर्मेट में दिया है PDF, इसे भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि PDF, एक्सेल, CSV, मैं यहाँ से PDF ही रहने देता हूँ। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हमारे मोबाइल में PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। यदि हम ऊपर से इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो यहाँ देख लिखा है बिल्ड स्टेटमेंट डाउनलोड कम्प्लीटेड, इसे हम ओपन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल दिया हुआ है, अकाउंट होल्डर का नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, इधर में भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं। और स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डेट दिया है और कहाँ पे आपने खर्च किया है वो यहाँ पे दिया है और अमाउंट यहाँ पे दिया है लास्ट में, देख सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका, अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और इसके सर्च बार में टाइप करेंगे mycards.hdfcbank.com, इतना लिखकर सर्च कर देंगे। ठीक है, तो माई कार्ड का वेबसाइट ओपन हो गया है, अब हमें इसमें लॉगिन करना है। लेकिन सबसे पहले आपका करना है माई कार्ड में रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने अभी तक माई कार्ड वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर डालकर गेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अलाउ कर देंगे तो OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब हमें सबमिट पे क्लिक करना है। तो देखिए माई कार्ड के वेबसाइट में हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है। नीचे में आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं। पहले नंबर दिया है ट्रांजेक्शन लिंक, EMI, रिवार्ड पॉइंट, कार्ड कंट्रोल, और यहाँ देखिए एक ऑप्शन है ई स्टेटमेंट, इसमें क्लिक करेंगे। अब फिर से वही प्रोसेस अपनाना है, पहले हमें यहाँ सेलेक्ट करना है मंथ को, तो अभी हम यहाँ मंथ कर लेते हैं अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर 2023, यहाँ पे एक मेल आईडी शो हो रहा है, यही मेल आईडी हमारे क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर है। ठीक है, और यहाँ नीचे देखिए लिखा है पासवर्ड टू ओपन योर ई स्टेटमेंट PDF, यानी यदि हम माई कार्ड के वेबसाइट से अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को डाउनलोड करते हैं तो उसमें पासवर्ड लगा होगा। तो पासवर्ड को ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, अपने नाम का फर्स्ट का 4 लेटर डालना है जो कि कैपिटल में होना चाहिए और वो नाम हमारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर छपा होना चाहिए, बिना स्पेस के अपने क्रेडिट कार्ड का लास्ट का 4 अंक डालना है, बस इतना ही डालना है। उसके बाद PDF ओपन हो जाएगा। हम नीचे देखिए दो ऑप्शन है, डाउनलोड स्टेटमेंट सेंड टू रजिस्टर ईमेल, यदि हम दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हमारे इस मेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद वहां से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है डाउनलोड स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया डाउनलोड सक्सेसफुल, ऊपर से हम स्लाइड करते हैं, यहाँ देखिए लिखा है ई स्टेटमेंट डाउनलोड कंप्लीटेड, यदि हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड में हमें क्या डालना है, अपने नाम का शुरू का 4 अक्षर जो कि कैपिटल में होना चाहिए, उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड का लास्ट का 4 अंक कितना डालना है हमें, यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सेम वही चीज ओपन हो गया है, यानी टोटल वही चीज दिया हुआ है।
अकाउंट होल्डर का नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी है। और नीचे में देखिए स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे डेट दिया है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल दिया है, और लास्ट में दिया है अमाउंट। ठीक है, देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इन दो तरीकों से अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।